मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मेरठ के भैसाली मैदान में आयोजित प्रदर्शनी वोकल फॉर लोकल का शुभारंभ सांसद राजेंद्र अग्रवाल और क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने किया। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए यहां 10 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसमें प्रदेश के विभिन्न जनपदों के हाथ से बने उत्पाद के स्टॉल लगाए गए हैं। प्रदर्शनी के दौरान मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ओडीओपी वित्त पोषित योजना में ट्रेनिंग लेने वाले अब लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस प्रदर्शनी में छोटे छोटे व्यापार कर अपनी आजीविका चलाने वाले उद्यमियों को खास प्राथमिकता दी गई है। इन उद्यमियों ने सरकार से लोन लेने के बाद अपना कार्य शुरू किया है। ऐसे समूह को यहां निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराया गया है। 50 स्टॉलों पर मूर्तियां, कपड़े, खादी वस्त्र, मिट्टी से बने सामान, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सूट, क्रॉकरी, स्पोर्ट्स सहित अन्य प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं। देखिए 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से जो पखवाड़ा शुरुआत 2 अक्टूबर तक जो चलेगा, जिसमें हमने सेवा पखवाड़ा के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है, उसी क्रम में वोकल फॉर लोकल यानी आत्मनिर्भरता का जो मंत्र है देश को आत्मनिर्भर बनाने का, उसमें ये प्रत्येक स्थान पर प्रदर्शनी लगाई गई है। और आज यहां मेरठ की ये प्रदर्शनी है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जैसा आग्रह रहता है कि हम स्थानीय वस्तुओं के विषय में चर्चा करें, उनको खरीदें, उनको प्रोत्साहन दें, खासतौर से 2 अक्टूबर को वैसा हम कार्यक्रम और भी करने वाले हैं खरीद का, तो आज ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगी है और प्रदर्शनी से लोगों को पता लगता है कौन से उत्पाद हमारे यहाँ बन रहे हैं।